विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स टांडा अंबेडकर नगर यूपी, कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50-60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। बहुजन समाज पार्टी कटेरी से युवा प्रत्याशी प्रतीक पांडे से यूपी न्यूज अर्बन पंचायती के रिपोर्टर रवि श्रीवास्तव की सीधी बातचीत हुई। उनसे ये जानने का प्रयास किया गया कि इतने युवा और पढ़े लिखे होने के बाद राजनीति जैसी चीज में आने की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई, और बहुत सारे मुद्दों पे उनसे खुल के चर्चा हुई। चर्चा के दौरान उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से और बड़े ही खुले मन से बहुत सारी बातों का जवाब दिया, जिससे उनसे बात करने के बाद मन अचानक उनकी तरफ खींचने लगा, आकर्षित होने लगा। वास्तव में ये महसूस हुआ बात करने के बाद कि इस तरीके के प्रत्याशियों का आज की राजनीतिक परिदृश्य में आना बहुत ही आवश्यक है, वो युवा भविष्य हैं। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय मैं अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर तहसील में हूँ, और एक तरीके से कह लीजिए कि एकदम युवा, यानी राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से आप संबंध रखते हैं, आपके पिताजी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रतीक पांडे जी का। प्रतीक पांडे जी कटेरी विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आइए उनसे उनके बारे में और कुछ उनके अनुभव के बारे में और उनका इस तरीके से राजनीति में एकाएक आना क्यों और किस वजह से हुआ, इन सब विषयों पर खुलकर चर्चा करते हैं। प्रतीक जी, यूपी न्यूज अर्बन पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इतने कम उम्र में और इतने कम समय में इस तरीके से एकाएक राजनीति में आने का निर्णय क्यों, कैसे, कुछ समझ में नहीं है। सबसे पहले मैं यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती को धन्यवाद करना चाहूँगा कि युवाओं को मौका दिया, मुझको मौका दिया आपके चैनल पर कि मैं अपनी बात रख सकूँ, और श्रीवास्तव जी आपको भी प्रणाम। कम उम्र तो अब आपके सामने तो मैं बच्चा ही हूँ, लेकिन 18-19 साल की उम्र के बाद हम मिलिट्री में भी अपना योगदान दे सकते हैं, और हर तरीके से आपको पता है आजकल तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी युवा उड़ा रहे हैं। तो राजनीति क्योंकि युवाओं का विषय भारत में नहीं है, अन्य देशों में तो मंत्री और प्रधानमंत्री तक युवा होते हैं, तो हमारे देश में मुझे लगा क्योंकि मोदी जी ने भी कहा था कि युवाओं को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी 30-40% जो हैं युवा हैं, लेकिन वो उनकी सरकार में हमें मंत्रिमंडल में ज़्यादा दिखाई देने को नहीं मिलता। तो बहन जी ने मौका दिया युवाओं को, मैं युवा हूँ तो पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग, मैं आपने कहा कि राजनीति में भी नया हूँ, लेकिन मैं जो है ABVP 2010 से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेंबर था, ऑल्दो मुझे उधर मौका नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी में मौका मिला, तो मैं भी जो है सोशल वर्क और सेवा जो है समाज सेवा पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, 9 साल से कर रहा हूँ, आज मेरी 29 साल उम्र हो गई है। तो एजुकेशन के बारे में आपके बात करते हैं, तो आपकी बेसिक एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई और एजुकेशन में आपने क्या किया? एजुकेशन मैंने मैं बचपन में हॉस्टल में था, क्योंकि पिताजी बहुत सारे आंदोलनों से जुड़े रहे तो हम लोग के ऊपर भी सुरक्षा का संकट बना रहा, तो हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग एक बोर्डिंग स्कूल देहरादून में पढ़े। उसके बाद 10वीं मैंने स्टडी हॉल CMS गोमती नगर से की और 12th मैंने स्टडी हॉल से की। उसके बाद मैंने सिम्बायसिस से BBA LLB पुणे, एक इंडिया का बहुत ही रेप्यूटेड लॉ कॉलेज है, वहाँ से की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। तो मैं उसके बाद LLM करने ऑस्ट्रेलिया भी गया, ह्यूमन राइट्स, मेरे पास डिप्लोमा भी है स्पेनिश लैंग्वेज में और कंस्ट्रक्शन लॉ में। तो बस क्या बोलते हैं, विदेश से पढ़ के आया हूँ, एजुकेशन मेरी पूरी हो चुकी है, अभी मैंने ऑल इंडिया बार का भी एग्ज़ाम दिया और उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो पहले से ही मैं 2 साल से पंजीकृत वकील हूँ। एक तो देखिए, एजुकेशन के मामले में तो वर्तमान में अभी जितनी भी पार्टियों ने जिन भी कैंडिडेटों की अनाउंस की है उनमें एजुकेशन आपकी मच बेटर है दूसरों के अगेंस्ट, इसको मैं बिल्कुल नो डाउट मैं मानता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, बट आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग फिर राजनीति जैसे नॉन पॉलिटिकल सिस्टम में तो क्या कुछ समझ में आप बात आई नहीं, ये क्यों, किस वजह से? नहीं, देश में एक जन जागृति अभियान चल रहा है
और युवा जागृत हो रहा है, क्योंकि युवाओं का, मैंने जैसे अभी पिछले भी बात में कहा था दूसरे इंटरव्यूज़ में, कि शोषण बहुत ज़्यादा होता है पॉलिटिकल सिस्टम में, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि युवाओं का रिप्रेजेंटेशन युवा ही कर सकते हैं। बेरोज़गारी नंबर एक मुद्दा है, कोई रोज़गार रह नहीं गया है। कोविड के काल में आपको पता है इंसान को जानवरों की तरह प्लास्टिक में बांध बांध कर फेंका गया है, महंगाई का कितना ज़माना है। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी था, और मेरे जो युवा साथी हैं वो भी यही चाहते थे। पर साथ ही साथ मैं अपनी PCSJ का भी मैं एग्ज़ाम दिया था एक बार प्री का, और क्योंकि राजनीति से समय नहीं मिलता, लेकिन साथ ही साथ वो भी पढ़ाई चल रही है। अगर मेरा जुडिशरी में हो जाता है, जज अगर मैं बन जाता हूँ, तो वो भी एक एम है। मगर राजनीति, क्योंकि परिवार का इतिहास राजनीति से जुड़ा रहा, ऑल्दो हम परिवारवाद को नहीं सपोर्ट करते हैं, सब अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। मैं भी देखिए बहुत समय से प्रयास कर रहा था, अब मुझे मौका मिला है तो मैं इसको मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है। मैं देश की सेवा राजनीति में करूँगा। मैं राजनीति को सेवा भाव से देखता हूँ, एक व्यवसाय के रूप में नहीं देखता हूँ। योगेश सेल्स एंड सर्विस, सभी प्रकार के वाहनों का इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, कंप्यूटराइज पेंटिंग मशीन, मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, टोयोटा, फोर्ड आदि कारों के ओरिजिनल पार्ट्स के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कल को आप विधायक हो गए, ठीक है, तो विजन आपका क्या रहेगा क्षेत्र वालों के लिए? क्या आपने महसूस किया, क्या आपने देखा अभी तक? मैंने जनता के बीच में ये देखा है कि जनता की एक बहुत ही बड़ी शिकायत है कि विधायक सांसद बन जाने के बाद आते नहीं हैं। वोट मांगने सब हाथ जोड़े पहुंच जाते हैं गांव में, और उसके बाद वो आते नहीं हैं। कोविड में जैसे पुराने ज़माने में दलितों के साथ होता था कि दूर रहो दूर रहो, आजकल वो वाला माहौल हो गया है। ठीक है, 2 गज की दूरी तो ज़रूरी है ही है, मगर उसमें कोई हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है। कोविड का मरीज़ भी कोई अछूत नहीं हो जाता, ठीक है, मतलब दूर उसको रहना ज़रूरी है, मगर उसने कोई पाप नहीं किया होता है। तो आजकल एक ऐसा चल रहा है कि लोग अपने बबल में रह रहे हैं, अपना परिवार, अपना अपने आसपास के लोगों को ही देख रहे हैं, समाज को लेके चलने वाली भावना चली गई है। तो मैं ये देखता हूँ कि साथ ही साथ रोज़गार का मुद्दा कोई उठा नहीं रहा है। खातों में 2,000 रुपये डाल दें, 500 रुपये डाल दें, 1,000 रुपये डाल दें, उससे कोई मतलब नहीं है। किसान सम्मान निधि से कुछ नहीं होगा। किसानों का सम्मान तब होगा जब ये जो साढ़ खेत चर रहे हैं, जब 4,000 की फसल साढ़ चर जाएगा और आप 2,000 उसके खाते में डालेंगे, तो क्या किसान बेवकूफ़ है? वो जान नहीं रहा है कि उसका 2,000 का घाटा हो रहा है? तो यही सब सोच करके मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। और लोगों की भी समस्या यही है, महिलाओं की समस्या है, कानून का राज नहीं है, गाड़ियां पलट जा रही हैं, भले ही वो अपराधी हैं, लेकिन कानून का राज चलना चाहिए। कोई बुलडोज़र का राज चला रहा है, कोई जंगल राज चला रहा है, कोई गुंडा राज चला रहा है। एक पार्टी तो है, वो तो पूरी की पूरी गुंडा पार्टी है। तो बस इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ, लोगों की डिमांड पे आया हूँ, और समस्या वही है। खड़ंजे बने हैं, रिपेयर नहीं हो रहे हैं, जल की समस्या है। आज भी मुझसे लोग इंडिया मार्ग का नल मांगते हैं, क्योंकि भैया जी सांसद हैं तो कहते हैं उन्हीं से दिला दीजिए। तो मैं उनको कहता हूँ जी बिल्कुल, अब निधि विधि भी आनी बंद हो गई है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की लूट घसोट मची हुई है, और इंसान को एकदम जानवर की उपाधि दे दी गई है। तो घोर कलयुग है। बस मैं इसमें अपना काम करके मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ अपना योगदान कर सकूँ। अच्छा ये बताइए, बसपा पार्टी से इन दिनों लोगों की टूट का क्रम, और भाजपा पार्टी से भी इन दिनों टूट का क्रम लगातार जारी है, ऐसे में बसपा क्या सोच के आपने ज्वाइन किया? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेके चलती है। बहुजनों की पार्टी है, दलितों की है, वो मिशन है, क्योंकि माननीय काशीराम जी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस धरती से जाने के बाद काशीराम जी ने वो मूवमेंट चलाया, और काशीराम जी के बाद, माननीय काशीराम जी के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने मूवमेंट चलाया। तो आज भी आप जाएंगे तो जो सर्व समाज के लोग हैं वो जुड़े हैं, पर कहीं ना कहीं, क्योंकि मोदी जी का और अन्य पार्टियों का एक डिजिटल कैंपेन चलता है, और समाजवादी पार्टी का भी डिजिटल कैंपेन चलता है, तो पूंजीपति लोग क्योंकि इसको समर्थन करते हैं तो लोग भ्रम में आ जाते हैं। अब जैसे आजकल चल रहा है नई सपा है, तो हमें पता है कि सपा वही है, और मोदी जी का अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिनों के इंतज़ार में अब जनता कह रही है हमको हमारे बुरे दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। तो बहन जी का जो आजकल बोला जाता है कि सपोर्ट खिसक रहा है, ऐसा नहीं है। वो जो कोर वोट बैंक है 30% का, वो बहन जी के साथ पहले भी था, आज भी है। उसमें प्लस होता है तो सरकार बन जाती है, और जब उसमें थोड़ा सा जब भ्रमित हो जाते हैं वोटर, तो वही, क्योंकि आपको पता है 32-33% पे ही सरकारें बनती आई हैं हर पार्टी की। तो इस बार जो है आप देखेंगे कि बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और वो साइलेंट वोटर है, वो सामने खुल के नहीं आता है। ये बताएं कि आपके क्षेत्र की जनता अगर आपको वोट दे
तो क्यों दे, दो शब्द में? इसलिए दे कि अंबेडकर नगर एक बहुत पिछड़ा जिला है और पिछड़ा रहा है, और बहन कुमारी मायावती जी ने ही इस जिले को बनाया है। यहाँ पे आप महामाया जो मेडिकल कॉलेज है, बाकी भी इंजीनियरिंग कॉलेज है बहुत सारे, यहाँ पे जो भी बना है वो बहन जी की देन है, सड़कें बहन जी की देन है। ये पूरा का पूरा आप ब्लॉक स्तर पे भी देख लीजिए, जो ऑफिसेज बने हैं वो सारी बहन जी की देन है। बहन जी की सरकार में कितनी भर्तियाँ हुई थी, आजकल आपको पता है पर्चे लीक हो जा रहे हैं, सारी भर्तियों पर रोक लग जा रही है। कितने मेडिकल कॉलेज बहन जी ने बनाए, ये आगरा वाला एक्सप्रेसवे जो दिल्ली तक बना है, नोएडा तक, इसकी परिकल्पना बहन जी ने की थी, इस पर कितने रोक लगाए गए, दो इंटरनेशनल बड़े एयरपोर्ट बहन जी ने किया था। तो आजकल उसी पे आगे बढ़ के बाकी पार्टियां काम करती हैं। और अंबेडकर नगर में आप कोर्ट क्यों दें? जी अंबेडकर नगर में मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि कटहरी विधानसभा से जो आज तक रहे हैं, इसके पहले एक बार एक माननीय साहब रहे, एक बार समाजवादी पार्टी से, लेकिन बाकी हमेशा से ये बहुजन समाज पार्टी की ही रही है। इस बार पिछले 5 साल, उसके पिछले 5 साल छोड़ दिए जाएं तो उसके पहले 15 साल हमेशा बहुजन, लेकिन कभी भी उस तरीके से यहाँ से कोई काम वो लोग नहीं कर पाए। आज वो लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं, कल बहन जी के आशीर्वाद से मौर्या जी जो कि बहुत बड़े नेता थे वो चले गए थे भाजपा में, कल ही उन्होंने अपने पूरे किए, अब वो चले आए हैं सपा में। तो ये दलबदलू लोग हैं, असल में बहन जी ही विकास करेंगे, और बहन जी ने मुझे प्रतिनिधि बनाया है, यहाँ पे प्रभारी बनाया है, प्रत्याशी बनाया है, और मैं युवा हूँ तो कुछ बहन जी ने देखा होगा, यहाँ के बारे में कुछ सोचा होगा। मैं युवा हूँ, मैं काम करूँगा इस क्षेत्र के लिए। कटहरी में अगर आप जाएंगे तो उस तरफ का जो इलाका है श्रवण क्षेत्र का, जहाँ भगवान श्री राम ने बहुत पिछला इलाका है पार किया था तमसा को, तो जब अयोध्या का विकास होगा तो कटहरी का विकास क्यों नहीं होगा? क्या ये अयोध्या से अलग है? क्या यहाँ राम के भक्त नहीं रहते? क्या यहाँ राम के वंशज नहीं रहते? तो एक जगह तो आप हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, यहीं बगल में अयोध्या, हम भी राम भक्त हैं, मेरे पिताजी ने पूरा जीवन आंदोलन में बिताया, तो मगर यहाँ अंबेडकर नगर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लोग केवल बरगराने की बात करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मुझे मौका दिया जाए, मैं थोड़ी सेवा करूँ जनता की। तो आप थे प्रतीक पांडे जी, और आपने इनकी बातें सुनी, और जैसा कि देखने पे काफ़ी एनर्जी लग रही है आपके अंदर, तो निश्चित रूप से इस बार चुनाव तो काफ़ी अंबेडकर नगर जिले का पूरा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, निश्चित है, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये बातें भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर। किसी सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट योमे स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें मुबारकपुर टांडा अंबेडकर नगर यूपी, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें